हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जानेंगे एटीएम मशीन में अपने अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करने का प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना कार्ड कैसे इंसर्ट करा मैं एटीएम कार्ड। नेक्स्ट सेलेक्ट लैंग्वेज, यानी कि आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लो, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु है तो अब तो मैं प्रेजेंट इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्शन कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको शो करेगा, कैश डिपॉजिट करना है या विदड्रॉ करना है, जो भी है सिलेक्ट कर ले सकते हैं। अब तो मैं प्रेजेंट अमाउंट डिपॉजिट करना, इसलिए डिपॉजिट ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं जस्ट वेट, डिपॉजिट पे सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट यहाँ पर फिर उसके अंदर ऑप्शंस पूछ रहे हैं, अपने कैश डिपॉजिट करने का है ना, इसलिए कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिमिट्स पूछ रहा तो कंटिन्यू एग्री कर ले रहा हूँ। मैं यस कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं अब नेक्स्ट 10 से लेके 99 तक कौन से भी दो नंबर आप प्रेस करो। नेक्स्ट फिर से यस पे क्लिक कर लो। नेक्स्ट आपका जो भी एटीएम पिन है यहाँ पर आप इंसर्ट करो, 4 डिजिट का। नेक्स्ट सेविंग पे क्लिक करो, आप अकाउंट टाइप बोल तो सेविंग पे क्लिक कर लो। नेक्स्ट आपका अमाउंट आप एटीएम मशीन में इंसर्ट करो। जस्ट मिनट, एटीएम मशीन के डोर्स ओपन होंगे। यहाँ पर आप जो भी अमाउंट है यहाँ पर ऐड कर लो, 100, 500, 2000, 200 आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटर पे क्लिक करा मैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप एटीएम मशीन आपका अमाउंट को चेक करेगी, अगर एक भी नोट कैसे फोल्ड है या कैसे डैमेज रहे तो पटके रहे तो वो नोट कैसे रिवर्स आ जाएगी आपको। अब मैं इंसर्ट कैसे अमाउंट 500 ही है, इसलिए कन्फर्मेशन कर रहा हूँ मैं। जस्ट वेट, आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। अब यह होगा डिपॉजिट और आगे ये स्लिप, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, प्लीज टेक योर कार्ड, यानी कि आपका एटीएम कार्ड ले सकते हैं आप। ये था अमाउंट डिपॉजिट करने का प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।